समता साहित्य एकेडमी का चौथा सम्मान समारोह का आयोजन एमआई रोड स्थित एक होटल में हुआ। 10 राज्यों से आए लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में सम्मानित किया गया। 2 लोगों को मानद डिग्री से भी सम्मानित किया गया। कला साहित्य खेल में देश विदेश में अपना और देश का नाम रोशन करने वालों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस नेत्री डॉक्टर अर्चना शर्मा रही। एकेडमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर डीएस तांडेकर ने बताया कि ऐसे लोगों को सम्मानित संस्था करती है जो कला साहित्य और खेल कूद में कुछ मुकाम हासिल किए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 6 लोगों को इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया तो 30 राष्ट्रीय स्तर पर मुकाम हासिल करने वालों को अवार्ड से नवाजा गया। 2 लोगों के नाम से अवार्ड रखे गए, अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज लिम्बाराम और अंतर्राष्ट्रीय फेम पद्मश्री गुलाबों के नाम से अवार्ड दिए गए। डॉक्टर आशा शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोगों को सम्मान किया जाता है। संस्था द्वारा नृत्य गायन खेल कूद लेखन पर सम्मान किया जाता है। जयपुर में यह पहला प्रोग्राम है। समता साहित्य अकादमी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ डॉक्टर डी एस तांडेकर। ये हमारा 14वां साहित्यकार सम्मेलन है। इसमें 10 राज्य के लोगों ने हमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें विविध क्षेत्र में जो कार्य किए हैं, जैसे कि कला क्षेत्र में है, क्रीडा क्षेत्र में है, साहित्यकार है और कथाकार है। जो नए न्यूनतम कमी होती है जो लिखते हैं, उन लोगों को समाज से आगे लाना, उनको प्रेरित करना और उन पर यहाँ पर सम्मान करना, ये हमारा समता साहित्य अकादमी का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर सर अंतर्राष्ट्रीय 6 लोगों को अवार्ड दिया गया और 30 राष्ट्रीय लेवल को अवार्ड दिया गया। किस किस उसके लिए अवार्ड दिया गया? सर ये खासतौर पर नृत्य क्षेत्र में दिया है, जो आर्टिस्ट है मणिपुर आसाम से, खासतौर पर अपने राजस्थान से, यहाँ से जो नृत्य कला में अच्छा अपना काम किया हुआ है, एक्टिंग है, डांसर है और खासतौर पर हमने इस वक्त नृत्यांगना गुलाबू सपेरा मैडम के नाम से हमने यहाँ पर अवार्ड घोषित किया है। और दूसरा लिम्बाराम, जो हमारे भारत का लिम्बाराम क्रीड़ा रत्न, उनके नाम से हमने घोषित किया है। और जो यहाँ पर क्रीड़ा क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काम किया, उनको ही क्रीड़ा रत्न से भी हमने सम्मान किया हुआ है। और कुछ आर्टिस्ट हैं जो उन्होंने कला क्षेत्र में किया, जो डांसर है मणिपुर से आया, जो पिक्चर में काम किया है उन्होंने आर्टिस्ट किया, थिएटर में काम किया है क्रीड़ा रत्न है। लेखक है जिन्होंने अच्छी अच्छी रचनाएँ लिखी है, उन लोगों को हमने प्रेरित करने के लिए हम इनको सम्मान से गौरवान्वित किया है। सर आपका नाम? सर मैं डॉक्टर डी एस तांडेकर, समता साहित्य अकादमी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारी सर राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है एक, और समता साहित्य अकादमी एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जिसमें विभिन्न क्षेत्र में अलग अलग प्रतिभाओं का सम्मान किया जाता है। नृत्य हो, गायन हो, शिक्षा हो, कविता हो, कहानी, लेखन, खेल, इन सभी में इन प्रतिभाओं का सम्मान करके इनको आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए जो डी एस तांडेकर जी हैं समता साहित्य अकादमी के अध्यक्ष, वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और देश के विभिन्न राज्यों में ये कार्यक्रम हो चुका है, इस बार गुलाबी नगरी में हो रहा है, अगली बार कहीं और होगा, शायद दिल्ली में हो। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत समता साहित्य अकादमी को बधाइयाँ देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि ये एक अच्छे कार्य करने वाले लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रोत्साहन दे रही है और समाज को एक दिशा प्रदान कर रही है। आपका पूरा नाम और डेजिग्नेशन? मैं डॉक्टर आशा शर्मा, मैं कहानीकार भी हूँ और संस्कृत शिक्षा विभाग में मैं व्याख्याता हूँ हिंदी की। जो हम लोग का ड्रीम सिनारी जहाँ पे है, आसाम से हूँ, गुवाहाटी से बिलोंग करती हूँ। मैं नौगांव गर्ल्स कॉलेज में लास्ट 16 ईयर्स में पढ़ा रही हूँ और हम तो सारे लोगों के साथ बहुत सालों से जुड़ा हुआ है। तो एक ये बहुत अच्छा एहसास है कि मुझे इधर सबके सामने मैं हूँ। और मैं हमेशा चाहती हूँ कि जो हम लोग एजुकेशन लाइन से है, एकेडमिशियन है, उन लोगों को भी ऐसा माहौल मिलना चाहिए कि हम लोगों को प्रोत्साहित किया गया, तो बहुत अच्छा मैं एहसास है मेरे लिए। मैम, गवर्नमेंट ने जो है 18 ईयर्स से बढ़ा करके 21 ईयर्स मैरिज का कर दिया, क्या कहना चाहेंगे उस बात? वो तो आप पूछिए मत, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे कॉलेज में भी है स्टूडेंट्स है 18 ईयर्स के, जो 11 12 का के स्टूडेंट पहले थे, तो लोग कोई कोई शादी करके आते थे, जो बहुत आसाम में है एक्चुअली, जो उम्र से पहले शादी करते हैं। अभी 21 ईयर्स से मुझे लगता है ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो जाएंगे,
तो ये बहुत अच्छा एक संदेश भी है हमारे लिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो इम्प्लीमेंट किया गया है। आपका नाम? मेरी नाम डॉक्टर नमिता कलिता। कार्यक्रम में 30 नेशनल 6 इंटरनेशनल 2 डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित हुए हैं और बेहतरीन कार्यक्रम और सफल कार्यक्रम के लिए मैं आप सभी को पत्रकार महोदय और तमाम सम्मानित लोगों का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी को मैं साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपका नाम डेजिग्नेट? मेरा नाम डॉक्टर कांतिलाल यादव है, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ माधव विश्वविद्यालय में और युवा साहित्यकार एवं समाज सेवी।